नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर। 1 जून से देश में लॉकडाउन 5 की घोषणा करते हुए अनलॉक 1 की भी घोषणा की गई है, जिसमें नागरिकों को कुछ रियायत प्रदान की गई है। इसी सिलसिले में जनपद ललितपुर के मड़ावरा थाना परिसर में उप जिला अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक व्यापारियों के साथ संपन्न की गई, जिसमें पुलिस क्षेत्र अधिकारी मेहरोनी श्याम नारायण मौजूद रहे। उप जिला अधिकारी मड़ावरा कृष्ण कुमार सिंह ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। समस्त सरकारी कार्यालय खुलेंगे तथा कार्यालय व दुकानें, बारात घर, स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टैक्सी, थ्री व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा को चलाने की अनुमति व दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। इसमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स का प्रयोग करना होगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक कपड़े का प्रयोग एक बार ही होगा, या सैलून संचालक डिस्पोजल कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। सामग्री नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति व पार्कों को सुबह की सैर, व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा उपायों व जनपद के अंदर बसों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 1 से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। यह लोग स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। समस्त प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय खन्ना, अजमेरी खान, सुशील सोनी, श्रवण जैन, नीलेश जैन, सोनू जैन, अनिल राजौला, उमेश जैन, नरेंद्र पटेल, विनोद अहिंसा आदि समेत कई व्यापारी मौजूद थे। इस सर खोलने की अनुमति होगी कि बैठ कर नहीं खाएगा, वहाँ से सारे बेंच हटे होने चाहिए दुकानदार के पास। कोई आएगा खड़े खड़े लेके जाएगा घर खाए हो, बेंच वहाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, चाहे चाय की दुकान हो चाहे मिठाई की। एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। क्या पहले बहुत पहले नहीं बताया नियमों का, तो बिल्कुल 100% श्योर है कि नहीं हो सकता। पहिया वाहन मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा के चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बना के रखना है, और सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकना है, और लॉकडाउन के नियम का जो भी अनलॉक का जो भी नियम बताए गए हैं हमारे एजेंट साहब द्वारा, सभी लोगों को मिलजुल करके इसका अच्छा सा कंप्लायंस कराना भी है, ताकि एक स्वस्थ वातावरण में हम लोग जीवित करा सकें और कोरोना जैसी महामारी से बच सके। और चूँकि हम अब चूँकि सारे जोन हट गए हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन हट गया है, केवल एक जोन बचा, कौन सा जोन है वो? हाँ, जोन खैर हमारा जनपद तो रेड जोन ग्रीन जोन में आए नहीं, हमें हमेशा ग्रीन जोन में ही रहा है, अब भी है, तो आगे भी प्रयास हम लोग करेगा ग्रीन जोन में ही रहे और कंटेनमेंट जोन में न आने पाए, ताकि चारों तरफ से घेराबंदी न किया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहाँ की मीटिंग अब समाप्त की जाती है और आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि अनलॉक 1 को भी लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 की तरह भी इसे सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मड़ावरा से इमरान खान के साथ अभय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।